जब क्लीनिंग की बात होती है तो कपड़ों की क्लीनिंग एक ऐसा काम है जिसे घर की महिलाओं को हर दिन करना ही पड़ता है, और ऐसे में महिलाएं अपने काम को आसान बनाने के लिए वॉशिंग मशीन की मदद लेती है। इन वॉशिंग मशीन में भी फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल ही मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती और कपड़े बेहद ही आसानी से साफ हो जाती है। हालांकि फुल ऑटोमेटिक मशीन में इन दिनों काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फ्रंट लोड और टॉप लोड ऐसे दो ऑप्शंस हैं जिन्हें काफी पसंद किया जाता है। यह दोनों फुल ऑटोमेटिक मशीन है, और ये भी देखा गया कि जब महिला ये वॉशिंग मशीन खरीदने जाती है तो वह काफी ज्यादा कंफ्यूज रहती है कि उन्हें टॉप लोड लेना है या फ्रंट लोड लेना है। तो चलिए आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि टॉप लोड और फ्रंट लोड के बीच अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, और इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि आपको कौन सा वॉशिंग मशीन अपने घर के लिए सिलेक्ट करना है। नमस्कार, मैं हूं सुबीर रंजन, मीडिया ट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। अगर कपड़ों को धोने की बात हो तो उसमें लगने वाला समय एक महत्वपूर्ण पहलू है। आमतौर पर टॉप लोड वॉशिंग मशीन में एक बार में कपड़े धोने में 30 से 40 मिनट का समय लगता है, जबकि फ्रंट लोड मशीन में एक साइकिल में कपड़े धोने में करीबन 60 मिनट का समय लग सकता है। हालांकि यह साइकिल तभी छोटा हो सकता है जब लोड हल्का हो। आमतौर पर टॉप लोड वॉशिंग मशीन त्वरित वॉश साइकिल प्रदान करती है, क्योंकि कपड़े पूरी तरह से पानी में डूब जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्लीनिंग परफॉर्मेंस का। हालांकि टॉप लोड वॉशिंग मशीन में क्लीनिंग करना अधिक आसान होता है, लेकिन इससे आपको उतनी बेहतर क्लीनिंग नहीं मिलती है। वही फ्रंट लोडर इसकी तुलना में कपड़ों को बहुत अधिक जेंटलर होते हैं, वह कपड़ों को बेहतर सफाई प्रदान करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि टॉप लोड मशीन कपड़ों को एक ही स्थान पर आगे पीछे करती है, जबकि फ्रंट लोड मशीन का ड्रम कपड़ों को अच्छी तरह से घुमाता है, जिससे कपड़ों को अधिक बेहतर क्लीनिंग होती है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन बड़ी वस्तुओं जैसे कंफर्ट और तकिए को कुशलता से साफ करने में सक्षम नहीं हो सकती है। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे पूरी तरह से पानी में नहीं डूबेंगे। अब हम बात करते हैं बिजली की खपत। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इन दोनों वॉशिंग मशीन में बिजली की खपत की बात की जाए तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में सेमी ऑटोमेटिक की अपेक्षा अधिक बिजली की खपत होती है, लेकिन फ्रंट लोड व टॉप लोड वॉशिंग मशीन में फ्रंट लोड मशीन टॉप लोड वॉशिंग मशीन की अपेक्षा बिजली की खपत बहुत कम करती है। इस तरह अगर आप कम बिजली की खपत करके अपने कपड़ों को वॉश करना चाहती है तो ऐसे में फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में इन्वेस्ट करना एक अच्छा विचार है। चलिए फटाफट एक बार नजर घुमा लेते हैं इन दोनों वॉशिंग मशीन के रेट्स क्या हो सकते हैं, इनके कॉस्ट क्या होते हैं। किसी भी चीज को खरीदते समय उसकी कीमत बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अगर आप वॉशिंग मशीन खरीद रही है तो यकीनन आप इसे अपने बजट में खरीदना चाहेंगी। आमतौर पर टॉप लोड वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की अपेक्षा सस्ती होती है। जहां टॉप लोड वॉशिंग मशीन की कीमत 14,000 से 15,000 रुपए होती है, वही फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की शुरुआती रेंज करीब 20,000 रुपए से शुरू होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल हमारा सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फिर मिलते हैं, तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। दिस इज सुबीर, साइन ऑफ।